जरा सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कंडीशन है अगर मैच दोबारा शुरू होता नहीं है लेट सपोज तो हम कहां खड़े हैं फिर? देखिए सलमान दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो के बोल के नाजरीन को पता होनी चाहिए कि एक तो ये हैवी रेन नहीं है, ये तेज बारिश नहीं है, ये एक नॉर्मल बारिश थी और अब हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कवर इसलिए अभी तक स्टेडियम के अंदर बिछाए हुए हैं कि हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। तो जो हमने कोलंबो स्टेडियम में कल बारिश देखी या आज मैच शुरू होने से पहले देखी वो बहुत तेज बारिश थी, एक नॉर्मल ड्रिजलिंग थी जिसकी वजह से ग्राउंड को कवर किया गया और मैच रुका है। एक तो यह है कि मैच के जल्दी दोबारा शुरू होने के इम्कान हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि पाकिस्तान ने 11 ओवर खेले हैं, तो अगर मैच जो है वो 20 ओवर पाकिस्तान खेल लेता तो पाकिस्तान जो है ना अगर मैच दोबारा शुरू नहीं होता आफ्टर 20 ओवर तो डकवर्थ लुइस के तहत पाकिस्तान जो है ना वो मैच लूज कर सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ 11 ओवर खेले हैं तो अभी जो है वो मैच जो अगर रिजल्ट नहीं निकलता अगर यहाँ अगर तेज बारिश हो जाती है तो फिर मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। एक अच्छा, एक अगर अभी दोबारा मैच शुरू नहीं होता क्योंकि फिर हम उसी तरह से दुआ करेंगे ना कि अगर मैच दोबारा शुरू नहीं होता तो डकवर्थ अप्लाई नहीं होगा फिर यहाँ पे। देखिए पाकिस्तान के जो अगर ओवर लूज होते हैं अगर पाकिस्तान को लूज ओवर मिलते हैं तो अगर ज्यादा देर वेट करना पड़ता है मैच के आगाज का तो पाकिस्तान को 20 ओवर में 200 का टारगेट मिल सकता है, 25 ओवर में 237 का टारगेट मिल सकता है और 30 ओवर में 267 का टारगेट मिल सकता है। और मैच जो है वो श्रीलंकन वक्त के मुताबिक 11 बजे तक शुरू हो सकता है। 11 बजे तक टाइम हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।